हम देखेंगे कि फैक्ट बेस्ड आर्टिकल को एडिट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए और एक प्रैक्टिकल नमूना देखेंगे कि उसको हम ऑडियंस के हिसाब से किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ उसके लिए क्राइटीरिया जो जनरल क्राइटीरिया किसी भी चीज़ के लिए ऑब्वियसली कोई भी चीज़ लिखी हो उसमें ग्रामर चेक है जब आप फैक्ट बेस्ड आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें ये ज्यादा अहमियत इसकी इसलिए है क्योंकि आपने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है इसका मतलब है कि सामने वाले को आपकी बात पे कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और आपकी बात बिलीवेबल होनी चाहिए उसके लिए अगर आपकी ग्रामर इनकरेक्ट होगी हो, हो सकता है आप उसको बात को तो पहुंचा तो नहीं हैं उसको समझ तो आ रही है कि क्या बात है लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी में कमी आ जाएगी इसके लिए जैसे एप्स वगैरह हैं डिफरेंट ग्रामरली एक ऐप है कोई भी चीज़ आप लिखे हैं तो वो आपको गाइड कर देती है कि ग्रामर कहाँ पर गलत है तो अगर आपकी फील्ड लैंग्वेज या वो नहीं है और आप उसमें इतने स्ट्रांग नहीं है तो आप उनके ज़रिए से अपनी लिखे हुए की ग्रामर को दुरुस्त कर सकते हैं क्योंकि आपकी टेक्निकल नॉलेज कितनी भी साउंड हो इम्पॉर्टेंट है कि लिखे हुए में ग्रामर भी करेक्ट हो सो दैट इज़ वन थिंग स्पेशली फॉर फैक्ट बेस्ड आर्टिकल्स वर्ड चॉइस ऑब्वियसली ऑडियंस के हिसाब से जैसे आगे भी कहा गया है कि टोन चेक भी और वर्ड चॉइस भी ऑडियंस के हिसाब से होनी चाहिए अगर कोई आर्टिकल बच्चों के लिए लिखा जा रहा है वो डिफरेंट तरह लिखा जाएगा अगर वो किसी फील्ड के एक्सपर्ट्स या जैसे साइंटिस्ट के लिए लिखा जा रहा है या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स उसकी ऑडियंस है तो उसमें फिर आप ज़्यादा टर्मिनोलॉजी जो है मुश्किल और रेलिवेंट जो उसके हिसाब से बनती है नॉट जस्ट टू बी मुश्किल बट ये कि जो रेलिवेंट बनती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अलावा इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस आप कैसे करते हैं कौन सी चीज़ पहले आती है कौन सी बाद में हमने इसमें एक साइंस बेस्ड आर्टिकल कुछ लिया हुआ है जिसको हम रिव्यू करेंगे तो उसमें अगर कोई डेफिनेशनस है या कोई इंपॉर्टेंट सबसे इन्फॉमेशन है वो शुरू में आनी चाहिए और फिर उसकी डिटेल्स वगैरह और मिसालें जो हैं वो बाद में आनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल तो और उसके अलावा ये है कि जब आपने कोई फैक्ट बेस्ड आर्टिकल लिखना है तो आप कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन लेंगे वो बहुत ज़रूरी है कि वो करेक्ट जगह से हो जैसे अगर आपने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ लिखना है तो आप नासा से इन्फॉर्मेशन अगर ले रहे हैं तो वो हम ये सोच सकते हैं कि वो क्रेडिबल होगी उसके अलावा अगर कोई ट्रैवल के बारे में है या कोई आ, क्या कहते हैं इन्वामेंट वग़ैरह के बारे में है जानवरों के बारे में है तो नेशनल जोग्राफिक एक रिलाईबल सोर्स हो सकती है तो इसी तरह ये लिव स्ट्रांग अगर हेल्थ के बारे में है तो लिव स्ट्रांग की वेबसाइट के ऊपर अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है तो जहाँ से भी आप इंफॉमेशन ले रहे हैं मेक श्योर sure कि वो करेक्ट हो क्योंकि उसी से और उसको डबल चेक भी करें जब आप लिख चुके हैं तो अपनी चीज़ों को डबल चेक करें कई दफ़ा ऐसी बातें होती हैं जो लोग इतनी दफ़ा एक दूसरे को कहते हैं कि वो हम उसको सच समझने लगते हैं हालांकि वो फैक्चुअली सच नहीं होता तो जैसे कि कई दफ़ा लोग कहते हैं हाँ इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या इस साल सर्दी जल्दी आ गई है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो हो सकता है लोगों को ऐसा महसूस हो रहा हो या उनकी आ, अपनी कोई ऐसे एनवायरनमेंट हो या कोई ऐसी उनकी सिचुएशन हो जिसकी वजह से उनको फ़ील हो रहा है लेकिन ऑलवेज़ वेरीफाई जो सुनी सुनाई बात है उसको सच ना माने वेरीफाई करके आप अपने लिखे हुए में उसको शामिल करें देखते हैं ये एक है जो हमने ओरिजिनल तो एक उससे लिया है वेबसाइट से लिया फिर उसको हमने मॉडिफाई किया है बच्चों के लिए सिक्स सेवंथ ग्रेड के बच्चों के लिए उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट फर्स्ट ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द अपवर्ड टेम्परेचर ट्रेंड अक्रॉस द एंटायर अर्थ सिंस द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी एंड मोस्ट नोटेबली सिंस द लेट नाइनटीन ड्यू टू द इंक्रीज इन फॉसल फ्यूलिशन सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये देखिए इतना ये सारा एक सेंटेंस था सो इट्स अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस स्पेशली अगर आप यंगर ऑडियंस के लिए उसको लिख रहे हैं वर्ल्ड वाइड एटीन एटी द एवरेज सर्फिस टेम्परेचर हैज़ गॉन अप गए अबाउट पॉइंट एट डिग्री सेंटीग्रेड रेलेटिव टू द मिड ट्वेंटी बेस लाइन ऑफ नाइनटीन टू नाइनटीन एटी और दिस इज अ टू टेक्निकल ये जो आखिरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आया ये ले मैन के लिए नहीं है ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा इसको बेहतर समझ सकते हैं Climate change refers to a broad range of global phenomena created predominantly by burning fossil fuels. Predominantly, again, is a big word, it's a difficult word, which add heat trapping gases, gases to Earth's atmosphere. These phenomena include the increased temperature trends described by global warming, but also encompass changes such as sea level rise, ice mass loss in Greenland, Antarctica, the Arctic, and mountain glaciers worldwide. शिफ्ट्स इन फ्लावर ब्लूमिंग एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब इसमें थ्रू आउट लंबे सेंटेंसेज हैं टेक्निकल इंफॉमेशन है इसको इसी को देखते हैं कि इसको हम अनपैक करके जो इन्फॉर्मेशन को कम करके और जो इन्फॉर्मेशन देनी है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए और सीक्वेंसिंग थोड़ी सी चेंज करके कैसे चल सकते हैंट्स लुक एट द अदर वर्जन इसको हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन से यानी कि ऑडियंस को डायरेक्टली मुखातिब करें Do you know that global warming is the rise in our planet's temperature? This has been happening since the late 1970s. Since 1880, the world's average surface temperature has gone up by about 0.8 degrees. So, वो baseline और वो वाली चीज जो है, वो हमने इसमें से बिल्कुल हटा दी है। So, इसको simplify कर दिया और इतनी information है कि जो कोई layman या कोई बच्चा भी इसको आसानी से समझ सकता है। उसके अलावा, the main reasons are the increase in industrial activity डिफॉरस्टेशन एंड फार्मिंग द बिगेस्ट रीजन इज़ द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स फॉसल फ्यूल्स का जिक्र पिछली बार भी आया था पिछले वाले उसमें भी आया था लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कि फॉसल फ्यूल्स होते क्या इसमें हमने ये बताया है कि फॉसल फ्यूल्स में क्या शामिल है फॉसल फ्यूल्स में शामिल हैं फॉसल फ्यूल्स इंक्लूड पेट्रोलियम कोल एंड नैचुरल गैस देअर यूज एड्स हीट ट्रैपिंग गैसेज टू दर्थ एटमोस्फियर सो दिस इज़ नाउ ईजियर और इतना डेंस नहीं है उसमें बहुत घनी घनी इन्फॉर्मेशन नहीं है हल्की इन्फॉर्मेशन है और एक्सप्लेन करके दी है हो सकता है टोटल वर्ड काउंट उतना ही हो लेकिन इन्फॉर्मेशन को खोल के बताया हुआ है क्लाइमेट चेंज कैन बी सीन इन ग्लोबल वार्मिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस मास इन ग्रीन लैंड एंटार्टिका द आर्टिक एंड माउंटेंस ग्लेशियर माउंटन ग्लेशियर्स वर्ल्ड वाइड द पैटर्न ऑफ फ्लावर ब्लूमिंग आर ऑल्सो चेंजिंग उसमें शिफ्ट का वर्ड यूज किया था तो उसकी बजाय हमने चेंज का वर्ड यूज कर लिया एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक हीट वेव्स ड्राफ्ट फ्लड्स हरिकेन्स आर ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन तो दिस इज़ हाउ इन्फॉर्मेशन कैन बी एडेप्टू एन ऑडियंस आप भी कर सकते हैं और ये सिर्फ बच्चों के लिए हमने सोच के बनाया है लेकिन ये कि एडल्ट ऑडियंस भी जो कि एक्सपर्ट्स नहीं है इन्वायरमेंट में या क्लाइमेट चेंज में उनके लिए भी अब ये मुनासिब हो गया तो इंटरनेट है तो एक बहुत अच्छी सोर्स जिससे हम बहुत सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसी फॉर्म में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो उस पर हमें एडिटिंग जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और जब सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है लिखने की वो हमें जब उसके जो डिफरेंट फिल्टर्स हैं उससे गुजारेंगे तो ही वो चीज़ आपकी जो भी ऑडियंस आपके जहन में उसके लिए वो वर्दी होगी तो ये कुछ चीज़ें हैं और इसी तरह आप भी जब कोई फैक्ट बेस्ड आर्टिकल लिखें तो ये चीज़ें सामने रखें और उसको क्लिक की और सीक्वेंस चेंज करके देखें कि कौन सी चीज़ बेहतर है देर इज़ नो सेट फार्मूला ये नहीं है कि हर दफ़ा अगर आप बच्चों के लिए लिखेंगे तो ज़रूर है कि क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करें लेकिन ये कि अगर आप करें तो ये एक ऑप्शन है ये सिर्फ जो हम बता रहे हैं आपको ये पॉसिबिलिटीज़ हैं ये कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है कि आपने हर बार यही लिखना है क्योंकि वो भी फिर बोरिंग हो जाएगा सो प्ले विद द वर्ड्स प्ले विद द सेंटेंसेस और देखें कि कौन सी चीज़ पे कैसा आपको रिस्पॉन्स आता है